गाजीपुर की दिनभर की 5 सबसे बड़ी खबरों की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। कासिमाबाद थाना क्षेत्र के रजुलपुर गांव निवासी रविंद्र यादव के घर कासिमाबाद थाना क्षेत्र के धरवार कला गांव से बारात आई थी। बारात के दरवाजे पर पहुंचने के बाद शादी पूर्व की रस्मों के साथ डीजे की धुन पर बाराती और घराती थिरकते रहे। उनके साथ दूल्हे के बड़े पिता का पुत्र रोशन यादव भी नाच रहा था। इसी दौरान उसे घराती गोलू यादव को धक्का लग गया। इस पर वो रोशन से झगड़ पड़ा, लेकिन लोगों ने समझा बुझाकर शांत करा दिया। कुछ देर बाद गोलू अपने भाई भोलू तथा दो साथियों के साथ वहां पहुंचे और तमंचे से रोशन के सिर में गोली मार दी। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। घायल को जिला अस्पताल लाया गया। घटना की जानकारी होते ही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह भी अस्पताल पहुंच गए। चिकित्सकों ने रोशन को मृत घोषित कर दिया। बिना शादी के ही बारात वापस लौट आई। इस संबंध में सीओ कासिमाबाद महिपाल पाठक ने बताया कि नामजद गोलू यादव और भोलू यादव मूलतः मर्दा थाना के नखतपुर गांव के रहने वाले हैं और रसूलपुर में उनका ननिहाल है। उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। बहरियाबाद थाना क्षेत्र के खाजेपुर मठिया गांव में बीते रविवार की सुबह हुई युवती की हत्या का पुलिस ने बुधवार को खुलासा कर दिया। पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में अभियुक्त को मीडिया से मुखातिब कराते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि अभियुक्त खाजेपुर मठिया निवासी भीम कुमार राम को बहरियाबाद तिराहा पर स्थित पानी टंकी के पास पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि शौच के लिए घर से खेल में निकली युवती को वो चाहता था। नियत खराब होने पर उससे दुष्कर्म करने लगा। विरोध करने पर युवती के गले में दांत काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद वो फरार हो गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में बहरियाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक राम निवास के साथ उप निरीक्षक इष्टदेव पांडे, कांस्टेबल रामकृष्ण सिंह, गुरु प्रसाद सिंह और चालक प्रदीप कुमार शामिल थे। तीसरे दिन भी सपा के जिलाध्यक्ष रामधारी यादव को उनके आवास पर नजरबंद करने को लेकर बुधवार को सपाइयों का गुस्सा फूट पड़ा। दर्जनों कार्यकर्ता उनके आवास पर पहुंचे और हो हल्ले के बीच धरने पर बैठ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने उन्हें नजरबंद मुक्त कर दिया। धरना प्रदर्शन करने वालों में पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश कुशवाहा, जिला मीडिया प्रभारी अरुण कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर समीर सिंह, सदर विधानसभा के उपाध्यक्ष कमलेश यादव, अवधेश कुशवाहा, जिलाध्यक्ष रामधारी यादव आदि लोग शामिल थे। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जिला पंचायत सभागार में बुधवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि सदर विधायक संगीता बलवंत और जमनिया विधायक सुनीता सिंह द्वारा जनपद में नव नियुक्त 65 नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। इस अवसर पर अपने संबोधन में जिलाधिकारी एमपी सिंह ने नव चयनित नलकूप चालकों को अपने पद के दायित्व की पूरी निष्ठा व ईमानदारी से पालन करते हुए जनहित, विशेष रूप से गरीब किसानों के प्रति पूरी सेवा भाव से सहयोग करने का सुझाव दिया। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, इंजीनियर राकेश बिहारी मल्ल, अधीक्षण अभियंता इंजीनियर उदय वीर सिंह सहित सिंचाई विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। संचालन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष अंबिका दुबे ने किया। जंगीपुर थाना क्षेत्र के रंजीतपुर गांव निवासी रामचंद्र की पुत्री की नसबंदी शुक्रवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुई थी। बुधवार की सुबह अचानक तबीयत खराब होने के बाद बुधवार की दोपहर में उसकी मौत हो गई। परिवार के लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर शव रखकर बैठ गए और सीएमओ को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़ गए, जबकि मनिहारी ब्लॉक मुख्यालय के सामने भीम आर्मी के पदाधिकारी धरने पर बैठ गए। जखनिया एसडीएम सूरज कुमार यादव मौके पर पहुंचे। भीम आर्मी के नेता विनय सागर ने मृतक परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा और सीएचसी के डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार को सस्पेंड करने की मांग रखी। जानकारी होते ही शादियाबाद और जंगीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। एसडीएम के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।